अथर्ववेद के दूसरे कांड का 27वां सूक्त प्रारंभ होता है। मंत्र संख्या 1, ऋषि कपिंजलः देवता औषधेः छंद अनुष्टुप ओम नेच्छत्रुः प्राशं जयाति सहमानाभि भूरसि प्राशं प्रति प्राशो जहि रसान क्रण वोषधे। हम उत्कृष्ट पथ्य रखने वाले और सही भोजन करने वाले बने, औषधियों का उचित प्रयोग करें। इस प्रकार रोग हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे। मंत्र संख्या 2, सुपर्ण इस्त्वान वविदंत शुकर इस्वात खनन्नास प्राशं प्रति प्राशी जहर सांक्रण वोषधे। पाटा औषधि को गरुड़ और सुअर अपनी ईश्वर प्रदत्त वासना से ढूंढ लेते हैं और इसके सेवन से वे अपने विषैले प्रभावों को दूर करते हैं। मंत्र संख्या 3, इंद्रोह चक्रेत्वा बाहावसु रेभ्य स्त्री तवे प्राशं प्रति प्राशो जह्य रसान कृणवोषधे। पाटा औषधि भग्न संधानकारी है, अतः संग्राम में घावों के उपचार में अत्यंत उपयुक्त है। इसी से सेनापति इसे सदा समीप रखता है। मंत्र संख्या 4, पाटामेन्द्रव्याश नाद सुरेभ्य स्त्री तवे प्राशं प्रतिप्राशो जहि रसान कृण वोषधे। पाटा औषधि वात पित्त कफ जनित सभी विकारों को शांत कर देती है। मंत्र संख्या 5, तयाहम शत्रोन त्वाश्च इंद्रः साला व्रकान इव प्राशं प्रतिप्राशो जहर सांक्रण वोषधे। पाटा नामक औषधि से मैं रोग कृमियों को दूर करता हूँ। मंत्र संख्या 6, रुद्र जलाश भेषज नील शिखंड कर्मकृत प्राशं प्रतिप्राशो जहिर सांक्रण वोषधे। वैद रोगों को दूर करने वाला, सुखकर औषधि देने वाला, रोगियों को उचित प्रकार से ठीक करने वाला होवे। मंत्र संख्या 7, तस्य प्राशं त्वम जहि योना इंद्राभिसादसि अधीनो ब्रूहि शक्तिभिः प्राशि मामुत्रम क्रधि। आदि पुरुष परमेश्वर रोग की घातक शक्तियों को नष्ट करे और मुझे रोगों को जीतने की शक्ति दे। 27वां सूक्त समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।